सो हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द जीपी जॉन। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक 2022 के स्टूडेंट को, ठीक है, 2022 के स्टूडेंट के बारे में कि जो स्टूडेंट मान के चलिए कि एडमिशन लेने जाएंगे तो उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको लेकर जाना है, ठीक है। तो मेनली इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग को लेकर जाना पड़ता है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स का हम प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड कर दिए अपने चैनल पर, आप लोग जाकर उससे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कुछ ऐसा जो डॉक्यूमेंट्स जो कि एडमिशन टाइम पर ले जाना इम्पोर्टेंट ही हो जाता है, ठीक है गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बात बता दें कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम टाइम टू टाइम आप लोग को प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तब भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में देखिए, मेनली बिहार पॉलिटेक्निक 2022 के बारे में बात करेंगे कि ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा एडमिशन में। यहाँ पे देखिए थंबनेल में हम जैसे कि लिखे हैं, ये चार चीज़ कभी मत भूलना एडमिशन में ले जाना, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कौन कौन सा। और ये गाइस, ये वीडियो मतलब कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम ज़रूर लगेगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स हम बताने जा रहे हैं आपको कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ज़रूर लगेगा, जो कि आपका एडमिशन होता है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहला जो कि डॉक्यूमेंट्स है वो आपका फोटोग्राफ, ठीक है। फोटोग्राफ ऑफ एक्चुअली आप कम से कम 40 फोटोग्राफ बनवा लीजिएगा, 40 फोटोग्राफ बनवाइएगा। तो इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपका एडमिशन टाइम कम से कम 25 से 20 से प्लस ही लगेगा, ठीक है। 25 कम से कम लग जाएगा आपका एडमिशन टाइम फोटोग्राफ, ओके गाइस, 25 फोटोग्राफ एडमिशन टाइम लग जाएगा। और नेक्स्ट हम बात कर लें, नेक्स्ट आप लोग का हो जाएगा जैसे कि हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, HELTH हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो होता है वहाँ पे जाके आप लोग बनवा सकते हैं। वहाँ पे देखिएगा तो कुछ पैसा लेगा लो, 100-150 रुपया लेगा लो और ये बना देगा लो, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंटी रैगिंग, जो कि ई होता है कि आप लोग का ना रैगिंग लेंगे ना रैगिंग देंगे, ठीक है। ये सर्टिफिकेट क्या होता है, जो कि ये बनता है आपका कोर्ट से, ठीक है। तो आप लोग अपने कोर्ट से बनवा लीजिएगा, जैसे कोई भी एक एडवोकेट को पकड़ लीजिएगा, एडवोकेट मतलब वकील होता है, कोई भी एक वकील को पकड़ के आप लोग बनवा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से एक हो जाएगा आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, एक होता है एंटी रैगिंग, और कुछ हो जाएगा फोटोग्राफ्स, ठीक है, फोटोग्राफ्स। और नेक्स्ट हम बात कर ले फोटोग्राफ्स के बाद हम बात कर लेते हैं आप लोग का कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जो कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, जो कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो आपका 10th में ही हो जाता है, 10th के सर्टिफिकेट, तो भी मत भूलिएगा, उसको भी ले जाना पड़ेगा। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और हम कुछ बताते हैं कि आप लोग का जो वो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड ले जाना मत भूलिएगा। एडमिट कार्ड आप लोग जो कि DCEC का जो एग्जामिनेशन देने गए थे, जो एडमिट कार्ड लेकर, वो एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाइएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पार्ट बी का फॉर्म, ठीक है, जो कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करते समय, फॉर्म फिलअप करते समय जो आप लोग को मिला था पार्ट बी का फॉर्म, ठीक है, उसको भी ले जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स था कि जो आप लोग को ले जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स कभी मत भूलिएगा। और आप लोग जितना मान के चलिए कि आप लोग 10th पास करके आए होंगे, तो 10th का पूरा ऑल डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा, ऑल, यहाँ तक कि अपना पासबुक भी ले लीजिएगा, जो कि अकाउंट नंबर, ऑल डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा, ठीक है। अगर 12th करके गए होंगे तो 12th करके गए होंगे तो 10th प्लस 12th दोनों का ले लीजिएगा, जो कि आपका 12th का जमा हो जाएगा, 10th का वेरिफिकेशन होकर आपका दे दिया जाएगा, ओके। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो
मैं थोड़ा सा भी आपका हेल्प मिला होगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।